राजस्थान के जयपुर में एक मंदिर में चोरी की अजीबोगरीब घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। एक साधारण चोर पहले भक्त बनकर देवनारायण मंदिर में प्रवेश करता है और सिर झुकाकर माफी मांगकर चोरी की घटना को अंजाम देता है। मंदिर में चोरी कर आरोपी वहीं से गायब हो जाता है। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज देखकर लोग हैरानी जता रहे हैं। मामला जयपुर के शाहपुरा के निकट कोनाकासर गांव का है, जहां देवनारायण मंदिर में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चोरी करने मंदिर में आए चोर ने पहले हाथ जोड़कर भगवान देवनारायण का दर्शन किया। इसके बाद मौका देखकर 3 किलो वजनी चांदी का छत्र चुराकर फरार हो गया। इस चोरी में एक महिला भी शामिल थी जो मंदिर के बाहर खड़ी होकर निगरानी कर रही थी। चोरी हुए छत्र की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। मंदिर की यह घटना बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। चोर मंदिर से 5 छत्र और 2 माला चोरी कर ले गए हैं। पुजारी शिवपाल गुर्जर ने बताया कि बुधवार को सुबह जब उन्होंने पूजा की तब छत्र थे, लेकिन शाम को 7 बजे पूजा की तब छत्रों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। गुरुवार सुबह 5 बजे पूजा करने गए तो मंदिर से छत्र गायब होने का पता चला। इस पर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को चेक किया तो बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे एक चोर मंदिर में घुसकर छत्र को चुराकर वहां से ले जाता हुआ नजर आया। ग्रामीणों ने बताया कि इसी मंदिर में 6 महीने पहले भी छत्र की चोरी हुई थी और 2 महीने पहले भी चोरों ने मंदिरों को निशाना बनाया था। इस मंदिर में बीते 6 महीने में चोरी की 3री घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। चोरी होने के बाद ग्रामीण नए छत्र दान कर देते हैं। चोरी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए इस बार मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। चोरी के आरोपी को पकड़ने की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने के सामने प्रदर्शन भी किया। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।